पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है, इससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। हम बात करें मथुरा जनपद की, तो मथुरा जनपद में जितनी भी प्राइवेट अस्पताल हैं, वे किसी भी मरीज को अपने यहाँ भर्ती नहीं कर रहे हैं। मरीजों के तीमारदार मरीजों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। आखिरकार जब तक मथुरा के जिला अस्पताल में मरीज पहुँच पाता है तो वह लास्ट स्टेज पर ही पहुंच पाता है और मरीज की ऑक्सीजन क्षमता कम हो जाती है, तो मरीज कुछ समय जीवित होने के बाद दम तोड़ देता है। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रभारी सीएमएस डॉक्टर अमिताभ पांडे ने बताया है कि जनपद के सभी प्राइवेट अस्पतालों में बेड फुल चल रहे हैं और मरीजों के तीमारदार मरीज को लेकर प्राइवेट अस्पताल में ही दौड़ते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी उपचार न मिल पाने के कारण आखिरकार उन्हें जिला अस्पताल ही के शरण लेनी पड़ती है। और जब तक सरकारी अस्पताल में मरीज पहुंचता है तो उसकी ऑक्सीजन लेवल क्षमता कम हो जाती है और ऑक्सीजन क्षमता कम हो जाने के कारण समय तक मरीज जीवित नहीं रह सकता है। जो बिल्कुल लास्ट कंडीशन में आएगा उसे निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। अब ये बात सही है कि आते ही 5 मिनट में ही ख़त्म हो रहे हैं लोग बाग, तो ये एक्चुअली वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में आ रहे हैं, तो उस समय कुछ बचता नहीं। और मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर सांस के ही पेशेंट हैं, वो कोरोना वाले ही ज़्यादातर संभावना रहती है ऐसे केसेस में, तो इसमें बचाना मुश्किल हो जाता है एक्चुअली। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ एक्चुअली क्रिटिकल केयर या इंटेंसिव केयर यूनिट यहाँ नहीं है, ना तो डॉक्टर हैं और ना उस तरह की अभी कोई हमारे यहाँ सुविधा है। पर हाँ ये ज़रूर है कि ऑक्सीजन की सुविधा हमने बना रखी है और पर्याप्त है और सभी लोग हम ऑक्सीजन मुहैया करा पा रहे हैं।